हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इन्वेस्टर पंडित की इस नई वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें और ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो पर। हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रोकेमिकल्स या एग्रीकल्चरल केमिकल्स की, जो कि ऐसी कंपनीज हैं जो फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स एंड ऑल जो एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके काम में आती हैं उनके प्रोडक्ट्स। और इसीलिए हमने ये एक अलग से वीडियो और एक अलग से सेगमेंट रखा था सीरीज़ के अंदर एग्रोकेमिकल्स के लिए, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे इन चीज़ों का यूसेज और कंजम्पशन कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, और इसीलिए हमें लगता है कि ये कंपनीज आगे चलकर बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे एग्रोकेमिकल्स की इस लिस्ट पर। तो इसके अंदर हमारा जो पहला स्टॉक हो जाएगा वो हो जाएगा UPL लिमिटेड। UPL के नाम से ही कई लोगों को लगता होगा कि इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं, ये कैसे इस लिस्ट में हो सकता है एंड ऑल। और शायद ये हमारा वो क्राइटेरिया भी पूरा नहीं करता है 15% की कंपाउंडिंग वाला, तो दैट इज़ ऑल ओके। लेकिन अभी कुछ रीसेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के हिसाब से इसको एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने जा रहा है। और दूसरा ये कि UPL एक भविष्य का शेयर हम कह सकते हैं। रिसेंटली में तो इसने इतना अच्छा कोई खास परफॉर्म नहीं किया है, पर हमें लगता है कि फ्यूचर में ज़रूर अच्छा परफॉर्म करके दे सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा सफिशिएंट नहीं है, रिटर्न्स इसने FD से तो बेटर ही दिए हैं, तो इस हिसाब से एक अच्छा स्टॉक बन जाता है रिटर्न्स के हिसाब से। डिविडेंड रिटर्न्स ये अच्छा नहीं देता है, एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि ओवरबॉट जोन में नहीं है और रेड फ्लैक्स नहीं है, मीन्स ये एक अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश है। पी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो पी रेशो 13.58 जो कि ठीक ठाक माना जा सकता है, डिविडेंड यील्ड 1.55 जो कि ओके मानी जा सकती है, और सेक्टर के पी रेशो से थोड़ा सा ज़्यादा पी रेशो है और सेक्टर के डिविडेंड यील्ड से थोड़ी सी कम डिविडेंड यील्ड है। 92% ऑफ एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। देखते हैं एक बार इसके रिटर्न्स भी, जैसे कि हम मैक्स रिटर्न्स देख सकते हैं 3 गुने से ज़्यादा इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कर दिया है, और 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो ओनली 19% के रिटर्न्स हैं ऑलमोस्ट। 1 ईयर में नेगेटिव होगा, 1 मंथ में नेगेटिव होगा, 1 वीक में पॉजिटिव है ऑलमोस्ट 1%, 1 डे में भी नेगेटिव है ऑलमोस्ट 2%, अभी इनफैक्ट चल ही रहा है इंडेक्स। तो हम कह सकते हैं कि UPL ने अभी तक अपने रेपुटेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया है और इसमें काफ़ी पोटेंशियल लेकिन बाकी है। तो एक लॉन्ग टर्म का अगर आप नज़रिया रखते हैं तो आप UPL में ज़रूर से निवेश कर सकते हैं भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए। पास्ट में परफॉर्मेंसेस तो कुछ इतने खास नहीं रहे हैं जैसा कि हम देख ही सकते हैं। हमारा नेक्स्ट जो एग्रोकेमिकल का स्टॉक हो जाएगा उस पर हम आ चुके हैं, ये बहुत ही सुपर हिट और सुपरस्टार स्टॉक हम इसको कह सकते हैं, और इसने हमेशा से अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पास्ट में भी और आगे भी देने की इसकी पूरी संभावना है। और हम आ गए हैं इसके फोरकास्ट एंड रेटिंग्स के ऊपर। तो 84% ऑफ एनालिस्ट मानते हैं कि स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। जैसा कि हम देख सकते हैं पी रेशो है 47.20 जो कि काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पे अभी ये ट्रेड कर रहा है ये दिखाता है। सेक्टर पी है 11.23, डिविडेंड यील्ड है 0.23, मींस डिविडेंड बहुत अच्छा ये नहीं देता है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड है 2.66%। चलते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तरफ, वही कहानी इसमें भी है जो अभी हमने की मैट्रिक्स के अंदर देखा, इंट्रिंसिक वैल्यू से ये ऊपर ट्रेड हो रहा है, डिविडेंड अच्छे नहीं देता है, बाकी 3 पैरामीटर्स पे खरा उतरता है। रिटर्न्स इसने अच्छे दिए हैं FD से, एंट्री पॉइंट अच्छा है, रेड फ्लैक्स इसके अंदर नहीं है। एंड हमारे स्टॉक के अब हम नाम पर आ जाते हैं जो कि है PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिटर्न्स अगर हम देखें 1 डे में नेगेटिव, 1 वीक में पॉजिटिव 3.07%, 1 मंथ में नेगेटिव 2.66%, 1 ईयर में ऑलमोस्ट 9.5% नेगेटिव, 5 ईयर्स में 218.91% जो कि ऑलमोस्ट 219% है, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं, मल्टी वैगर रिटर्न्स।
और मैक्स की अगर हम बात करें तो 35 गुने से ज़्यादा ही अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को अब तक कर चुका है। SIP के हिसाब से देखें तो इसने डबल अब तक कर दिया है पैसे को। तो इस हिसाब से हमें लगता है ये कंपनी बहुत अच्छी है और आगे चलकर भी ये बहुत अच्छा कर सकती है। तो ये कंपनी हमारे पास ज़रूर से होनी चाहिए एग्रोकेमिकल की फील्ड के अंदर। चलते हैं हमारे अगले स्टॉक की तरफ, हमारे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर एग्रोकेमिकल्स के, जिसके फोरकास्ट एंड रेटिंग्स के हिसाब से 100% ऑफ एनालिस्ट मानते हैं कि ये स्टॉक हमारे पास ज़रूर से होना चाहिए। पी रेशो है 18.02 का, जो कि काफ़ी ठीक ठाक ही माना जा सकता है। डिविडेंड यील्ड है 1.28% का, जो कि ओके है। सेक्टर डिविडेंड यील्ड से डिविडेंड यील्ड कम है, पी रेशो सेक्टर पी रेशो से ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की अगर हम बात करें तो सिर्फ इंट्रेंसिक वैल्यू से हमें ऊपर मिल रहा है, मीन्स वैल्यूएशन वाइज ये उतना ठीक नहीं है। बाकी ये हर एक पैरामीटर पे खरा उतरता है। रिटर्न्स इसने FD से बेटर दिए हैं, डिविडेंड अच्छा देता है, एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि ओवरबॉट जोन में नहीं है और रेड फ्लैग्स इसके अंदर नहीं है, मीन्स ये एक अच्छा निवेश हो सकता है, अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश भी हो सकता है। और हम चलते हैं हमारे स्टॉक के नाम के ऊपर। नाम हमारा है कोरोमंडल इंटरनेशनल। कोरोमंडल इंटरनेशनल एक मिड कैप कंपनी है और लो रिस्क इसमें इंडिकेट कर रहा है, मीन्स ये एक अच्छे फंडामेंटल्स वाली और अच्छे फ्यूचरस प्रोस्पेक्ट वाली कंपनी हो सकती है। तो इसके रिटर्न्स आप देख सकते हैं, 1 डे में 3% से ज़्यादा, 1 वीक में 1.26%, 1 मंथ में -1.12%, 1 ईयर में 4.33%। इस नेगेटिव मार्केट में भी आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा कर रहा है ये स्टॉक। 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो इसने डबल से ज़्यादा इन्वेस्टर्स के पैसे को कर दिया है, ऑलमोस्ट 2.25 गुने से भी ज़्यादा। और मैक्स अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो ये 123 गुने से ज़्यादा अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कर चुका है ऑलरेडी। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक हमें लग रहा है और आगे भी ये चलकर बहुत अच्छा कर सकता है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल आपके पास ज़रूर से होना चाहिए, ये एक बहुत अच्छा स्टॉक है और ये आगे चलकर भी बहुत अच्छा कर सकता है एग्रीकल्चर की फील्ड में, एग्रोकेमिकल्स की फील्ड में, ऐसा हमें लगता है। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल ज़रूर से आपके पास होना चाहिए। चलते हैं हमारे अगले स्टॉक की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है एग्रोकेमिकल्स की लिस्ट में, ये तो सबसे ही अच्छा है। जैसे कि आप देख सकते हैं 100% ऑफ एनालिस्ट मानते हैं कि ये स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। पी रेशो में आप देख सकते हैं इसका वैल्यूएशन कितना सही चल रहा है, 7.17 का पी रेशो है मात्र, और डिविडेंड यील्ड है 2.78%, जो कि सेक्टर डिविडेंड यील्ड से भी ज़्यादा है, मीन्स ये हर एक तरह के पैरामीटर्स पे ऑलमोस्ट खरा उतर रहा है। हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तरफ, जो कि यही सब रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो देख सकते हैं आप, 5-स्टार इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट है, इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहा है, रिटर्न्स FD से बेटर देता है, डिविडेंड रिटर्न्स अच्छे देता है, एंट्री पॉइंट अच्छा है और रेड फ्लैग्स इसके अंदर नहीं है और इसके प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेज नहीं है, मीन्स ये एक अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश हो सकता है। चलते हैं हमारे स्टॉक के ऊपर। हमारा स्टॉक होगा चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। तो 1 डे में आप रिटर्न्स देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1% के लगभग हो सकते हैं आज, अगर मार्केट सही नोट पे बंद हो जाता है तो। 1 वीक में आप देख सकते हैं -7.50 अप्रॉक्स, 4.6 है एक्चुअली। 1 मंथ में आप देख सकते हैं -24.15%, 1 ईयर में ऑलमोस्ट 13% नेगेटिव, 5 ईयर्स में आप देख सकते हैं 119.74%, ऑलमोस्ट 120% के रिटर्न्स हैं। और मैक्स आप देख सकते हैं 17 गुने से ज़्यादा इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को कर दिया है, ऑलमोस्ट 17 गुना। तो कह सकते हैं ये एक बहुत ही शानदार कंपनी है और आगे भी चलकर अच्छा कर सकती है, क्योंकि अभी सिर्फ स्मॉल कैप ही है। तो ये स्टॉक हमारे पास ज़रूर से होना चाहिए एग्रोकेमिकल्स के अंदर, और हमें ये बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी लगती है। तो ये एक हमारा अगला स्टॉक हो जाएगा चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। हम आ गए हैं हमारी नेक्स्ट कंपनी के ऊपर, जिसका फोरकास्ट एंड रेटिंग्स का डेटा सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, बट की मैट्रिक्स का तो है,
और की मेट्रिक्स के हिसाब से हम कह सकते हैं ये अभी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। जैसे कि पी रेशो है 12.30, सेक्टर पी से हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा, और डिविडेंड यील्ड है 0.30 जो कि सेक्टर डिविडेंड यील्ड से काफ़ी कम दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अब चलते हैं इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से ये एक 4-स्टार इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट बनाता है। जैसे कि इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे हमें अभी प्राइस पे मिल रहा है, जैसे कि हम पहले ही कह चुके हैं ठीक ठाक वैल्यूएशन पे है ये, पी रेशो काफ़ी कम है इसका, ठीक ठाक सा ही। आरओई वर्सेस एफडी रेट्स में ये एफडी से बेटर रिटर्न्स देता है। डिविडेंड रिटर्न्स का डेटा इनसफिशिएंट है और एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में नहीं है और इसके अंदर कोई भी रेड फ्लैग्स नहीं है। मीन्स ये एक बेटर और सेफर इन्वेस्टमेंट बन जाता है कंपैरेटिवली। अब चलते हैं इसके नाम के ऊपर। नाम है इसका खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, एंड जैसे कि हम देख सकते हैं वन डे में ऑलमोस्ट 1.60% के नॉन जो रिटर्न्स हैं नेगेटिव में हैं। वन वीक में अगर देखा जाए तो 1.13%, वन मंथ में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4% नेगेटिव, वन ईयर में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100% पॉजिटिव के इसके रिटर्न्स हैं इस नेगेटिव और क्रैश होते हुए मार्केट में भी, जो कि ये बताता है कि कितना अच्छा स्टॉक है, इसकी क्वालिटी कितनी कमाल की है रिटर्न्स के मामले में अगर हम बात करें तो, जो कि हमारा मेन फोकस भी हमेशा रहता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि हम कितना वेल्थ जनरेट कर सकते हैं किस कंपनी के अंदर। और 5 ईयर्स में अगर बात करें तो इसने ऑलमोस्ट 3.25 गुना के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए हैं। 322.85% जस्ट 5 ईयर्स में रिटर्न्स हैं, जो कि कमाल के हैं और मल्टीबैगर तो हैं ही हैं। और मैक्स अगर रिटर्न्स की बात करें तो मैक्स भी सेम ही है क्योंकि नवंबर 2020 से ही इस कंपनी का डेटा अवेलेबल है। तो ये जो कुछ भी है ये पिछले ऑलमोस्ट 2 साल में ही इस कंपनी ने करके दे दिया है। अभी स्मॉल कैप है, आगे बढ़ने का बहुत स्कोप इसका है। तो एक हाई रिस्क स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर हम जाना चाहते हैं तो ये स्टॉक हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है। और जैसे कि इसका फील्ड जो है वो है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, तो एग्रोकेमिकल की फील्ड में जो भी कंपनियां हैं और अगर वो अच्छी हैं, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की हैं जैसे कि ये है, तो हमें लगता है ये फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकती है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक हो जाएगा वो होगा खेतान केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। चलते हैं हमारे अगले स्टॉक की तरफ। हमारे नेक्स्ट स्टॉक का भी फोरकास्ट एंड रेटिंग्स का डेटा सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, बट पी रेशियो है 5.48 मात्र, जिसके हिसाब से हमें लगता है ये अभी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। एंड डिविडेंड यील्ड है 1.66%। एक छोटी कंपनी होके भी 1.66% का डिविडेंड यील्ड एक बहुत अच्छा डिविडेंड शो करता है एक तरह से अगर देखा जाए तो। सेक्टर पी रेशो से काफ़ी कम पी रेशो है और डिविडेंड यील्ड भी सेक्टर डिविडेंड यील्ड से कम है क्योंकि एक छोटी कंपनी हो सकती है। और अभी हम इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट बनाती है इसको पूरी तरह से एक 5-स्टार कंपनी और इन्वेस्टेबल कंपनी। इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहा है, रिटर्न्स एफडी से बेटर दिए हैं, डिविडेंड अच्छा देता है, एंट्री पॉइंट अच्छा है एंड रेड फ्लैग्स इसके अंदर नहीं है। मीन्स किसी भी प्रमोटर की होल्डिंग प्लेज नहीं है और ASM GSM लिस्ट में नहीं है स्टॉक। तो ये एक से अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षा वाला निवेश बना देता है, सुरक्षित निवेश बना देता है। इंट्रिंसिक वैल्यू से तो नीचे है ही, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग भी इसकी मानी जाएगी। बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, जैसे कि हम पी रेशो के हिसाब से भी देख ही चुके हैं। हमारे स्टॉक का नाम हो जाएगा गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स। एंड इसके अगर रिटर्न्स की बात करें तो अभी नेगेटिव है वन डे में, वन वीक में ऑलमोस्ट 4% पॉजिटिव है, वन मंथ में ऑलमोस्ट 5% नेगेटिव है, वन ईयर में ऑलमोस्ट 61% के रिटर्न्स हैं जो कि कमाल के हैं इस क्रैश होते हुए मार्केट में भी। और 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 5 ईयर्स में इसने डबल से ज़्यादा कर दिया है पैसे को, ऑलमोस्ट 2.25 गुनी से भी ज़्यादा, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। स्मॉल कैप है, हाई रिस्क है, मीन्स इसमें रिटर्न्स
देने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी आगे भी बनती है। और मैक्स जो रिटर्न्स हैं उसमें इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को 13 गुनी से भी ज़्यादा कर दिया है। तो ये एक मल्टीबैगर स्टॉक हमें लगता है कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइज़र आगे चलकर एक बहुत अच्छा मल्टीबैगर साबित हो सकता है अगर हम इसमें अभी इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हुए। तो कल के दिन ये मिड कैप भी बनेगी, लार्ज कैप भी बनेगी और अच्छे खासे प्रॉफिट्स अपने इन्वेस्टर्स को देगी। तो इस तरह से हमारा ये एग्रोकेमिकल का जो सीरीज का आखिरी वीडियो है केमिकल सीरीज के अंदर। तो अभी हम इस वीडियो को यहाँ पर बाइंड अप करेंगे और सारे स्टॉक्स अब हमने इसमें कवर कर लिए हैं एग्रोकेमिकल्स के जो हमें लगते हैं कि बहुत अच्छे हो सकते हैं, आगे चलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपकी नज़र में अगर कोई स्टॉक है जो हमसे छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो, ये स्टॉक्स पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इन्हें सब्सक्राइब करें और अपने लव्ड वंस के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।